नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे किसान बिल के बारे में। बिहार समेत पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के किसान केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित किसान बिल का विरोध करते हुए दिल्ली स्थित सिंध हाईवे को जाम कर दिया है। इधर उत्तर प्रदेश दिल्ली जाने वाले हाईवे को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों ने जाम कर दिया है। अब तक किसानों और सरकार के बीच में 5 राउंड की बैठक हो चुकी है, लेकिन दोनों के बीच में कोई सुलह का रास्ता नहीं निकला है। ऐसे में किसानों ने अब 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान कर दिया है। इधर कई राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों ने भारत बंद के आह्वान का समर्थन किया है। ऐसे में आइए समझते हैं केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित तीनों किसान बिल के बारे में। सबसे पहला बिल है कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020। भारत सरकार ने किसानों के लिए कृषक उत्पादक व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020 प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य किसानों को अपने उत्पाद नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी यानी कि मंडियों के द्वारा बेचने की छूट देना है। इसका लक्ष्य किसानों को उनकी उपज के लिए प्रतिस्पर्धी व्यापार माध्यमों से लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना है। इस कानून के तहत किसानों के उनकी उपज की बिक्री पर कोई रेस यानी कि फीस नहीं ली जाएगी। इस कानून को लेकर सरकार का कहना है कि इससे किसानों के लिए नए विकल्प उपलब्ध कराएगी, इसकी उपज बेचने पर आने वाली लागत को कम करेगा, अन्य बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करेगा। इससे जहां ज्यादा उत्पाद हुआ है उस क्षेत्र के किसान कमी वाले दूसरे प्रदेशों में अपनी कृषि उपज बेचकर बेहतर दाम प्राप्त करेंगे। इस किसान बिल के विरोध में बोलते हुए विपक्ष और किसान नेता का कहना है कि किसान अपनी उपज को पंजीकृत कृषि उपज मंडी समिति से बाहर बेचते हैं तो राज्यों को राजस्व का नुकसान होगा, क्योंकि ये मंडी शुल्क प्राप्त नहीं कर पाएंगे। किसानों और विपक्षी दलों को इस बात का भी डर है कि इससे अंततः न्यूनतम समर्थन आधारित खरीद प्रणाली का अंत हो सकता है और निजी कंपनियों द्वारा शोषण बढ़ सकता है। इसके बाद दूसरा बिल है किसान अनुबंध विधेयक 2020। इस बिल को मूल आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान अनुबंध विधेयक 2020 के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून के तहत किसानों को उनके होने वाले कृषि उत्पादों को पहले से तय दाम पर बेचने के लिए कृषि व्यापारी, फार्म प्रोसेसर, थोक विक्रेता, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ अनुबंध करने का अधिकार मिलेगा। सरकार इसका लाभ गिनाते हुए कह रही है कि इससे किसानों को अपनी फसल को लेकर जो जोखिम रहता है वह उससे उस खरीद की तरफ जाएगा जिसके साथ इससे अनुबंध किया है। अन्य आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट पर पहुंच देने के अलावा यह विपणन लागत को कम करके किसान की आय को बढ़ावा देगा। किसान संगठन इसका विरोध करते हुए कह रहे हैं कि इस कानून को भारतीय खाद्य और कृषि व्यवसाय पर हावी होने की इच्छा रखने वाले बड़े उद्योगपतियों के अनुरूप बनाया गया है। यह किसानों की मोल तोल करने की शक्ति को कमजोर करेगा। इसके साथ ही बड़ी निजी कंपनियों, निर्यातकों, थोक विक्रेताओं और प्रोसेसर को इससे कृषि क्षेत्र में बढ़त मिल सकती है। तीसरा बिल है एसेंशियल कमोडिटी बिल 2020। इस बिल को हम आवश्यक वस्तु विधेयक बिल 2020 के नाम से भी जानते हैं। इस बिल के तहत आवश्यक वस्तुओं की सूची जैसे कि अनाज, दाल, तिलहन, प्याज और आलू जैसी कृषि उपज को युद्ध, आपात, असाधारण मूल्य वृद्धि और प्राकृतिक आपदा जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर समान परिस्थितियों में हटाने का प्रस्ताव करता है, तथा इस तरह की वस्तुओं पर लागू भंडार की सीमा भी समाप्त हो जाएगी। सरकार ने अपना पक्ष और लाभ गिनाते हुए इस बिल से FDI को आकर्षित करने के साथ साथ मूल्य स्थिरता को लाना है। इसके विरोध में कहा जा रहा है कि इससे बड़ी कंपनियों का इस कृषि जिन्सों के भंडारण की छूट मिल जाएगी, इससे किसानों पर अपनी मर्जी थोप सकेंगे। इस बिल को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की व्यवस्था जारी रहेगी। इसके अलावा प्रस्तावित कानून राज्यों के कृषि उपज विपणन समिति यानी कि APMC कानूनों का अतिक्रमण नहीं करता है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से यह सुनिश्चित होगा कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिले, इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और निजी निवेश के साथ ही कृषि क्षेत्र में अवसंरचना का विकास होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार और किसानों के बीच में अभी तक किसी प्रकार की कोई सुलह की बात नहीं बनी है। सरकार बिल लाने पर अड़ी है तो किसान इस बिल को खारिज करने की बात कह रहे हैं। किसानों ने 8 दिसंबर को पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया है। ऐसे ही ताजा तरीन वीडियो के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।